नमस्कार, पाकशाला भाई पुष्पलता चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कच्चे आम का मीठा मुरब्बा बनाएंगे जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। बच्चों को ये पूरी पराठों के साथ बेहद अच्छा लगता है। बहुत ही कम चीजों में ये बहुत आसानी से बन जाता है और आप इसे साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। अभी आम का सीजन चल रहा है तो आप इसे झटपट बनाकर रख सकते हैं और साल भर इसे यूज कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए अधपके आम मिले तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप इसे कच्चे आम से भी बना सकते हैं। मुरब्बा बनाने के लिए मैंने आधा किलो के करीब आम लिए हैं। आम को धोकर पोंछ लिया है। डंठल वाला हिस्सा काटकर अलग कर देंगे और इसे अच्छे से छील लेंगे। आम को हमें इस प्रकार छीलना है कि इसका छिलका जरा भी रह ना पाए, क्योंकि अगर छिलका रह जाएगा तो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और मुरब्बा में हल्का सा कसैलापन भी आ जाएगा। आम को छीलने के बाद हम किसी भी ग्रेटर की हेल्प से इसे कद्दूकस कर लेंगे। इस प्रकार से मैंने मुरब्बा बनाने के लिए अधपके आमों को लिया है तो कलर बहुत ही बढ़िया आया है। आप भी अधपके आम लें, लेकिन ध्यान रहे कि आम आपके कसे जरूर होना चाहिए, पिलपिले बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सारे आमों को कद्दूकस करने के बाद हम एक बर्तन में डालकर उसका माप ले लेंगे, क्योंकि इसी बर्तन के माप से हमें इसमें शुगर को भी ऐड करना है। कद्दूकस किए हुए आम को हम किसी बड़े बर्तन में डाल देते हैं और फिर माप किए हुए इसी बर्तन में हम शुगर को भरेंगे। बराबर की मात्रा में हम शक्कर को लेंगे और फिर आम में मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे कवर कर देंगे और 3-4 घंटे के लिए छोड़ेंगे, जिससे कि शक्कर मेल्ट हो जाए। करीब 4 घंटे हो चुके हैं तो चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब चलते हैं हम गैस की तरफ और इसे बनाना शुरू करते हैं। आम के मिश्रण को हम कढ़ाई में डाल देंगे और अभी गैस को हमने ऑन नहीं किया है। कुछ मसालों को ऐड करने के बाद हम गैस को ऑन करेंगे। अगर आप धूप में रखकर मुरब्बा बनाना चाहते हैं तो इस समय कुछ मसालों को ऐड करके कांच के बर्तन में हमें इसे धूप में रखना होगा। जैसी इसमें धूप लगेगी उसके हिसाब से ये कुछ दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। अभी हम इसे गैस पर बना रहे हैं तो ये तुरंत बनकर तैयार होगा। तो कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 2 टुकड़े दालचीनी के डालेंगे। आप इसे जरूर डालिए, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून हम काला और सफेद नमक भी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे हम इलायची पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल देंगे, इससे मुरब्बे का कलर अच्छा आएगा। अब हम गैस को ऑन कर देंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। अगर हम हाई रखेंगे तो किनारों से हमारा मुरब्बा जलने लगेगा, तो ध्यान रहे कि मीडियम गैस पर ही हमें इसे बनाना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसे चम्मच से हिलाते रहेंगे, जिससे मुरब्बा कढ़ाई की तली में ना लगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसमें एक तार ना बनने लगे। साथ ही जब ये अच्छे से पक जाएगा तो इसका कलर भी काफी चेंज हो जाएगा। इसे पकने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर काफी चेंज हो गया है, ऑलमोस्ट ये बनकर तैयार है। तो हम इसे चेक कर लेते हैं। उंगलियों के बीच में हम थोड़ा सा इसका रस लेंगे और दबा कर देखेंगे। एक तार करीब बन रहा है, तो हम इसे 1-2 मिनट और पकाएंगे, फिर गैस को ऑफ कर देंगे। जब ये मुरब्बा थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो गैस को सिम कर दें और लगातार इसको चलाते रहें। ऐसा करने से मुरब्बा कढ़ाई की तली में जरा भी नहीं लगेगा और बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। लीजिए, मुरब्बा हमारा ठंडा हो चुका है, तो हम इसे एक साफ सुथरे कांच के कंटेनर में स्टोर कर लेंगे। ध्यान रहे कि जब भी आप इसे निकालें तो सूखी साफ चम्मच से निकालें, नमी बिल्कुल ना जाने दें, तो ये मुरब्बा सालों साल खराब नहीं होता है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए घंटी को बजाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।